दोस्तों, मेरे पास हेडफोन और एयरफोन की रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारी कमेंट आए दिन आती रहती हैं। कोई कमेंट करता है कि सर, हेडफोन में एक साइड को साउंड नहीं आ रहा और किसी का दोनों साइड पे साउंड नहीं आ रहा, किसी की ये लीड टूट गई, किसी का कुछ प्रॉब्लम आता रहता है। यहाँ पर मेरा फोकस रहेगा, हेडफोन में वन साइड साउंड नहीं आता तो क्या करें। अगर आपका जैक टूटा है तो वो मैंने इस तरीके से यहाँ पे जोड़ के बना के रखा हुआ है। देखिए, बहुत यहाँ पर सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिए, इस वीडियो के एंड पे उसको दे दूंगा। अब यहाँ पर एक साइड साउंड नहीं आ रहा है, इसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करेंगे, भले वो लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, भले वो हेडफोन हो, ब्लूटूथ एयरफोन हो या फिर सिंपल एयरफोन हो, ऐसे वाले। तो सभी का सॉल्यूशन बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप अच्छी तरीके से समझें, बारीकी से समझें। बस आपने करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे आने वाली वीडियोज आप और भी देखते रहें और कुछ नया सीखते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास हेडफोन है और ब्लूटूथ एयरफोन है और दो सिंपल, यहाँ पर एक तो सैमसंग का है और एक नॉर्मल, पता नहीं किस कंपनी का है। सभी को पहले मैं अलग अलग कर लेता हूँ। अब मैं बात करता हूँ हेडफोन से। हेडफोन किसी भी कंपनी का हो, आप ये मत सोचिए इसने बोट कंपनी का रखा हुआ है तो हमने भी बोट कंपनी का ही रिपेयर करना होगा, ऐसा नहीं है। आपके पास कोई भी हेडफोन हो, वो हेडफोन आप उठा लीजिए, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, आपने सिंपल से मान लिया जाए इसमें लेफ्ट में साउंड नहीं आ रहा, राइट में आ रहा है, यानी कि राइट में आ रहा है, लेफ्ट में नहीं आ रहा, किसी एक चैनल पे आ रहा है, टोटल मिला के किसी एक चैनल पे साउंड आ रहा है और एक चैनल पर नहीं आ रहा। भाई आप तो बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता इस फील्ड पर, भाई आपने एक छोटा सा काम करना है। जैसे आप अगर रिपेयर के लिए जाते हैं तो आपको क्या बोलेंगे कि यार इसकी आईसी में प्रॉब्लम है। हाँ, ज़्यादातर आईसी में प्रॉब्लम आती है, आईसी जो है ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप इसको सर पे पहनते हैं, कभी कभी एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है, पसीना वगैरह अंदर घुस जाता है और पसीने की वजह से होता क्या है कि अंदर आईसी में जो है आपका पसीने वाला पानी पूरा जाके आईसी में जो है आपकी हल्का हल्का सा कार्बन वगैरह लग जाता है। ये भी समस्या मुझे सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो है आपका कोई एक स्पीकर ख़राब हो जाता है। देखिए, स्पीकर ख़राब बहुत कम हालत में होता है, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है आईसी से रिलेटेड आती है कि भाई आईसी ख़राब होगी और एक साइड साउंड नहीं आ रहा। अब इसका सॉल्यूशन करना कैसे, देखिए आपको बिल्कुल भी काम नहीं आता। और दूसरी बात बताऊँ, इसकी आईसी आपको मिलने वाली भी नहीं है, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, आईसी कहीं भी नहीं मिलने वाली। हाँ, मिलती है तो लगा लीजिए, मैं गारंटी तो ये नहीं कहूँगा कि यार नहीं मिलेगी, मिल सकती है, आप ढूंढिए, लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। एक सिंपल बात, आपने काम चलाना बस अपना, तो आपने कुछ नहीं करना। राइट साइड का मान लिया जाए, आप ध्यानपूर्वक समझिए इस चीज़ को, बाद में ये मत कहना कि भाई मेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ठीक है, बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, समझिए। राइट साइड का जो स्पीकर रहता है, मान लीजिए उसमें आवाज़ आ रही है, यानी कि इसमें आ रही है, किसी में भी एक में आ रही है, मान के चलता हूँ इसमें आ रही है, चलिए इसमें हमारी आवाज़ आ रही है, तो इसके जो वायर आईसी से निकले हुए यहाँ तक स्पीकर के लिए, मतलब यहाँ से दो वायर उठे होंगे ना, मान लीजिए एक मदरबोर्ड मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल के समझाने के लिए, मान लीजिए इसका मदरबोर्ड ये है, मान लिया जाए, है नहीं लेकिन है करके आप इसको मानेंगे, ठीक है। अब मान लिया जाए ये मदरबोर्ड है, अब यहाँ से देखिए दोनों चैनल, वन और टू चैनल, दो चैनल हैं तो दो चैनल यहाँ से आउट कर रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, बाद में ये मत कहना ये तो इसका मदरबोर्ड है ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए इस ब्लूटूथ का मदरबोर्ड ये है, ये वाला, अब यहाँ से दोनों चैनल के लिए निकल रहा है इस आईसी से, ये राइट चैनल के लिए, ये राइट चैनल के लिए और ये लेफ्ट चैनल के लिए, एक स्पीकर इसमें से एक, मान लीजिए इस राइट चैनल पे आवाज़ नहीं आ रही है, तो आपने करना क्या है, दूसरी स्पीकर जिसमें आवाज़ नहीं आ रही है उसके तार उठा के भी उसी चैनल में दे देने जिससे आवाज़ आ रही है, बस। तो आपके इस चैनल पर आवाज़ आ रही है और इससे हमें नहीं आ रही, तो इसके वायर उठा के इसी में जोड़ देने, इसी स्पीकर के वायर के साथ इसके तार जोड़ देने। भाई आईसी तो बदल नहीं सकते आप, तो इतना काम कर सकते कि इसके दो तार उठा के इसी स्पीकर के साथ आप जोड़ दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जोड़ने, तो इसी स्पीकर के तार को आप ट्रेस कीजिए, स्पीकर के तार को उठा के उस पर ही जोड़ दीजिए, उसके प्लस माइनस में इसको भी आप जोड़ दीजिए, दोनों में आवाज़ आएगी। हाँ, थोड़ा सा कम आपको सुनने के लिए मिल सकती है, लेकिन आएगी ज़रूर, ठीक है। आपका काम ऐसे बन जाएगा, एक तो आप इसमें हेडफोन में भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात है एयरफोन में, एक मिनट आपको एयरफोन दिखा देता हूँ। एयरफोन में क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पर जो है ये लीड कट जाती, टूट जाती, तो होता क्या है कि एक साइड साउंड आने लग जाता है, एक साइड नहीं आता या फिर दोनों साइड नहीं आता।
ऐसा ऐसा हिलाएंगे इस जगह पे, होता क्या है इस जगह पे जो है बहुत बार जो है मूव होता रहता है, ये हिस्सा बहुत बार मूव होता रहता है, तो यहाँ पर ऐसे मूव होने की वजह से टूट जाता है। अब इसमें साउंड कैसे आए, देखिए यहाँ पर इस पर मैंने देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, आप घर पर भी कर सकते हैं, इसमें तागा वागा लपेट के इसमें फेविक्विक डाल के इसको फिक्स कर दें। मेरा खुद का ये एयरफोन है भाई, मेरा खुद का एयरफोन है, मैकेनिक खुद अपने हाथ से अपना एयरफोन रिपेयर करके इसको यूज़ कर रहा है, मतलब मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैंने अपने घर पर ही रिपेयर करा है। अब इसको रिपेयर करने की एक वीडियो मैंने बनाई थी यहाँ पर, तो अब कैसे बताऊँ, यहाँ पर तो सिर्फ एक वन साइड साउंड का ही बताया था मैंने, क्लियर कर दूँ बात को। इस वीडियो को ख़त्म करेंगे तो वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लेंगे बहुत आसान तरीके से। अब चलिए इसमें आपको बता दिया, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा आपको वन साइड टू साइड साउंड का मिल सकता है, काफ़ी सारे लोग इसको खींच देते हैं तो इसमें भी स्पीकर फट गया तो वहाँ पर आपको एक साइड साउंड की दिक्कत मिल सकती है, तो भाई स्पीकर फट गया तो चेंज कर दें। चलिए आपको बताता हूँ, अब यहाँ पर इसको देता हूँ मैं, यहाँ पर जो है एक मिनट इसको हटा दूँ पहले मैं, इस स्पीकर में, इस स्पीकर का मदरबोर्ड खोला हुआ है तो इसी में दिखाना मुझे बेटर लगेगा। अब देखिए इसमें ये हेडफोन में, सॉरी एयरफोन में, स्पीकर कह रहा हूँ एयरफोन की बात, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा उलझ जाता है, बहुत ही समस्याएं एयरफोन में रहती हैं, जो ओरिजिनल रहते हैं वो सबसे ज़्यादा उलझते हैं लेकिन टूटते नहीं है ओरिजिनल जो है। अब देखिए यहाँ पर इसमें ये है लेफ्ट राइट चैनल, आपका दोनों चैनल है लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल, ठीक है। अब यहाँ से इस चैनल की जो लाइन है डिवाइड हुई है इस बॉक्स से, आपको दिखा दूँ ये बॉक्स से ये चैनल की लाइन डिवाइड यहाँ से हुई है, अलग अलग जगह ये गई हुई है। अब देखिए दोनों चैनल्स के लिए गई है तो इस चीज़ को आप समझेंगे, उसके बाद आप रिपेयर करना भी सीख जाएंगे। ये एयरफोन वायर्ड एयरफोन की बात बता रहा हूँ, ये सभी के लिए इस मेथड को आप हेडफोन पे भी अप्लाई कर सकते हो, ब्लूटूथ में भी, लेकिन अलग अलग दिखाऊंगा तो आपको समझने में और आसान रहेगा। इधर पर आपको दिखा दिया, अब सभी में ऐसा होता है, देखिए मान लिया जाए ये ब्लूटूथ बोर्ड भी होता तो यहाँ से स्पीकर के आउटपुट की वायर इस तरीके से निकली होती, तो यहाँ पर ये है हमारा लेफ्ट चैनल, ये है राइट चैनल, तो दोनों चैनल के लिए वायर निकली है। अब दोनों चैनल के लिए ग्राउंड एक ही होता है, तो ये रेड वायर है, रेड वायर चैनल के लिए बटी है, और यहाँ पर जो तांबे कलर की है वो है ग्राउंड की, जी ये है राइट लेफ्ट एंड जी, यहाँ पर मेंशन भी रहता है, हाँ राइट लेफ्ट एंड जी करके आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है देख लीजिए। अब जो है दोनों दोनों के अंदर एक दो दो वायर होती है, मतलब इसके अंदर दो वायर होंगी और इसके अंदर भी दो दो वायर होंगी, तो दो दो मतलब चार वायर। अब दोनों में से एक एक वायर उठा के उसको ग्राउंड पे दे देंगे, कॉमन वाली जो है ग्राउंड पे आ जाएगी, दोनों की एक एक वायर ग्राउंड पे आ जाएगी और एक एक जो बची अंदर जो रेड कलर की है वो लेफ्ट और राइट में जुड़ जाएगी, लेकिन दोनों की एक एक ग्राउंड पे चल जाएगी, एक एक लेफ्ट राइट में आ जाएगी, जैसे रेड और ये वाली देख रहे हैं। किसी किसी में आपको ग्राउंड के दो पॉइंट मिल सकते हैं, होता एक ही है, बस वहाँ पर सुविधा के लिए दो पॉइंट बना दिए होते हैं सोल्डिंग की सुविधा के लिए। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके राइट चैनल पे आवाज़ नहीं आ रही है, राइट चैनल पे आवाज़ नहीं आ रही है, तो राइट वाले को आपने इसे ऐसे करके हटा देना है, डिशोल्डर करके हटा के इसमें फिक्स कर देना है, लेफ्ट वाले में ही इसको फिक्स कर देना। मान लीजिए लेफ्ट में आवाज़ नहीं आ रही तो लेफ्ट को हटा के राइट में डाल देना, ग्राउंड वाले पे रहने दीजिए, बस आपने वायर उठा के लेफ्ट में दे देनी जिसमें आवाज़ आ रही है, इतना काम आपने कर लेना है। अब होता क्या है ना, ये जो इसकी पिन रहती है जो लेफ्ट और राइट का आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, कोई एक वायर अंदर से टूट जाती कट जाती तो चैनल पर आवाज़ नहीं आती, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको भी तोड़ना नहीं चाहते खोलना नहीं चाहते, तो आपने बस उस वायर को उठा के वहाँ पर दूसरे चैनल पर दे देना है, उससे आवाज़ आपकी आने लगेगी। देखिए समझिए और इसको सीखिए। अब तीसरी चीज़ है ब्लूटूथ का एयरफोन एयरबड्स जो भी रहते हैं आपके, जिस जो भी इसको कहते हैं भाई, हमारा तो मैकेनिक का काम है, ज़्यादा इसके नामों में नहीं पता रहते हैं। अब यहाँ पर ये ब्लूटूथ का है, अब ब्लूटूथ में भी बिल्कुल वही मेथड रहेगा, एक बार इसको खोल लूँ तब आपको दिखाने और समझाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, बिल्कुल नया है तो आपके लिए खोलना भी बनता ही है, तो यहाँ पर इसको खोल लेते हैं। चलिए इसको खोल के आपको दिखाऊँ तो आप बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, चलिए इसको मैंने खोल लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये है, ये स्पीकर को मैं अलग अलग कर लूँ तब आप समझ पाएंगे, ये देखिएगा यहाँ पर समझिए, ये स्पीकर हमारा लेफ्ट के लिए निकल गया और ये स्पीकर निकल गया राइट के लिए, ये वाली वायर राइट की, ये है लेफ्ट की। तो मान लीजिए आपके एक चैनल पे साउंड बिल्कुल बंद हो चुकी है, चलिए इसी चैनल पे साउंड बंद हो चुकी है, तो देखिए इसमें या तो ये जो आईसी है इसका फॉल्ट होगा या फिर स्पीकर का फॉल्ट होगा। आईसी का फॉल्ट है तो भाई आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं, एक बार ड्राइव वगैरह है तो उसको मतलब आईसी को एक बार सोल्डरिंग करके देख लीजिए, नहीं हो रहा है ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए, आपने कुछ नहीं करना। मान लीजिए इस चैनल पे आपका साउंड नहीं आ रहा तो इसकी दोनों वायर उठा के इस स्पीकर के वायर के ऊपर जोड़ देनी, जैसे इस स्पीकर के पॉइंट बने
वहाँ पर जोड़ देने। देखिए ये दोनों वायर उठा के इन दोनों वायर के ऊपर डाल दें, जो इस स्पीकर के पॉइंट है उसके ऊपर जोड़ दिए, सेम टू सेम, बस दोनों में आएगी बराबर आ जाएगी, थोड़ा सा कम हो सकती है लेकिन आपका काम तो बन जाएगा ना, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी आपको, जो है असुविधा का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका काम बन जाएगा। बाकी अगर ज़्यादा ही आप मैकेनिक बनना चाहते तो आई सी वाई सी इसकी इसी नंबर के लगा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। देखिए मेरा काम सिर्फ बेसिक तरीके से समझाना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ज़्यादातर लोग हेडफोन रिपेयर के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। मेरे चैनल पर हेडफोन रिपेयर के लिए ज़्यादातर वही लोग विजिट करते हैं जो कि जिनका हेडफोन ख़राब हो जाए, जो नॉर्मल बंदे होते हैं, मैकेनिक लोग कम विजिट करते हैं, क्योंकि हेडफोन वेडफोन की रिपेयरिंग काफ़ी कम लोग करते हैं। मुझे पता है आप लोग आई सी वाई सी का काम नहीं जान पाएंगे, इसलिए आप ये ट्रिक अपना लें, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद कमेंट ज़रूर करना है भाई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया करके कमेंट करना है। और याद रहे स्पीकर ज़रूर चेक कर लें, ये नहीं कि स्पीकर ख़राब है और यहाँ आप छेड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना, स्पीकर ज़रूर आप चेक कर लें, स्पीकर बिल्कुल ओके है तो आप आगे काम करें। अब स्पीकर कैसे चेक करें, ठीक है ये भी बता देता हूँ। जब आप यहाँ से देखिए इस चैनल पे आवाज़ नहीं आ रही, इस चैनल पे आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस चैनल की स्पीकर की जो वायर है उनको निकाल के अलग कर लो और एक सेल ले लो, सेल कोई सा भी ले लो आप, छोटा सा घड़ी वाला सेल या कोई सा भी सेल ले लो, उसके दोनों तरफ वायर को रखो, स्पीकर से आवाज़ आएगी कर 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 जैसी। चलिए मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ, ये स्पीकर है बड़ा वाला है, बात वही है। अब यहाँ पर इनको तो मैं तोड़ नहीं सकता, खोल नहीं सकता, इसी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब ये देखिए किसी सेल में आप स्पीकर को लगाएंगे तो वहाँ पर आपको देखिए ये देखिए कुछ साउंड सुनने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर सेल थोड़ा सा डाउन है, दूसरे सेल पे दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर कुछ साउंड सुनने को मिलेगा। देखा आपने, कुछ ना कुछ आपको साउंड सुनने के लिए मिल रहा है। तो वहाँ पर भी ऐसे ही स्पीकर के दोनों वायर आप सेल पे लगा लीजिए, वहाँ पर आपको स्पीकर की पता चल जाएगा स्पीकर ख़राब है या सही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो अपना कमेंट ज़रूर करना। बाकी जो है मुझे पता है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से हो चुका होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। सजेस्ट जरूर कीजिएगा कि आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक लिए।